मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंडेंसर माइक है BM800। ओके, तो ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से। आप देख सकते हो पैकिंग कैसे आया है यहाँ पे। और इसके बाद जो पॉप फिल्टर है वो भी इसके साथ में इंक्लूडेड था, तो वो भी मैंने साथ में ऑर्डर कर दिया था। तो एक बार देखते हैं कि ये कैसा होता है और क्या इसके अंदर में आया है। एक बार हम लोग इसको ओपन करके देखेंगे और हम लोग फिर उसको, जो हमारे पास एक माइक स्टैंड है उसमें हम लोग उसको लगा के देखेंगे कि कैसा उसमें जो साउंड आता है वो एक्चुअल में वर्क करता है। तो हम लोग जल्दी से इसको ओपन कर लेते पहले। तो ये हमारा माइक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे कवर में आया है, ये BM800 आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ BM800। यहाँ पे कुछ भी थर्मोकोल या कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है जो भी कंपनी है उसके द्वारा। तो बहुत ही नॉर्मल सी पैकिंग करके भेज दी गई है। और यहाँ पे ये जो हमारा पॉप फिल्टर है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉप फिल्टर बता देता हूँ कैसा है ये ओपन करके। तो ये है पॉप फिल्टर, आप देख सकते हो। पॉप फिल्टर का यूज क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई सॉन्ग गाते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, तो जैसे शा और फा होता है, तो उसका जो सांस होता है वो जा करके रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए ये पॉप फिल्टर का यूज किया जाता है। तो इसकी क्वालिटी तो सही लग रही है और प्राइस जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, माइक का भी, इसका भी, सारी चीजों का, और स्टैंड का भी मैं डाल दूंगा। तो आप वहां से जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। तो इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है, आसानी से आप उसे परचेज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पॉप फिल्टर। अभी हम लोग देखेंगे ये इसको ओपन करके इसके अंदर में क्या है। तो ये जो है बॉक्स के अंदर में आप देख सकते हो, यहाँ पे माइक है, ये माइक है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर का रखने का है, माइक के ऊपर लगाने का, ताकि जो नॉइस को रोक सके। उसके बाद यहाँ पे केबल्स हैं, केबल आए हैं यहाँ पे, ये माइक पे लग जाएगा, ये जाके हमारा लैपटॉप जो है लैपटॉप में लग जाएगा। और अगर मोबाइल से करना चाहते हो तो ये मोबाइल में जो 3.5 mm जैक होता है वो भी इसके अंदर यहाँ पे लग जाएगा। तो मोबाइल से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से लेसन बनाऊंगा कि मोबाइल से अगर रिकॉर्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं, और अगर लैपटॉप से रिकॉर्ड करना है कैसे कर सकते हैं, डेस्कटॉप से करना है तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो बाद में मैं आपको फिर उसके लिए बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइक होल्डर है यहाँ पे, ताकि जब भी हम लोग गाते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं तो क्या है कि वो जो वाइब्रेशन होता है तो उसको कंट्रोल करता है ये माइक के वाइब्रेशन को। तो ये चीज़ हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड और कुछ मैनुअल्स हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग साइड कर देंगे। तो एक बार हम लोग देखते हैं ये देखने में कैसा है माइक को। तो ये है हमारा फाइनल माइक है। ओके, आप जाकर के अगर आपको साइड में देखना, अमेजोन पे देखना या फिर किसी और साइट पे देखना, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है। एक बार जाकर के इसका जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो वहां पे जाकर के देख सकते हो। प्राइसिंग एंड ऑल भी आप देख सकते हो। अगर आपको परचेज करना हो तो आप आसानी से परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है। और इसका मैं साउंड भी आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा जो रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग होने के बाद कैसा आता है। तो ये हो गया माइक हमारा। अभी क्या है कि हम लोग सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे माइक स्टैंड है, तो यहाँ पे ये जो है ये डायनेमिक माइक के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग इसको लगाएंगे। तो ये हमारा ये इस पर लग जाएगा। तो ये हमारा इस पर लग चुका है। यहां से हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं। तो
अभी ये जो हमारा माइक है ये चला जाएगा। यहाँ पे इसका वायर है आप देख सकते हो, ये जो वायर है ये जो बड़ा वाला वायर है बड़ा वाला साइड वो इसके माइक पे चला जाएगा, ये माइक पे लग गया। अभी ये पॉप फिल्टर है, पॉप फिल्टर पे जो हमें लगाना है तो इस तरह से जो हमारा पॉप फिल्टर है इसके साथ में लग जाएगा। अभी हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे, जो हमारा लैपटॉप है लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर लेंगे, और अगर हम लोग चाहे तो ये जो फिल्टर है इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो ये हमारा माइक हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 mm जैक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फैंटम पावर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक अलग डिवाइस होता है, तो या तो आप साउंड कार्ड यूज कर लो, या फिर फैंटम पावर के लिए जो हमारा फैंटम पावर डिवाइस होता है उसको यूज कर लो, या फिर आप मिक्सर बोर्ड यूज कर लो। मिक्सर बोर्ड में भी क्या होता है कि जो फैंटम पावर होता है वो होता है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला माइक वाला जो इनपुट होता है उसमें। तो ये भी आपको मिल जाएगा अमेजोन पे आराम से, उसका भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। तो ये चला जाएगा इस पे जो इनपुट होगा, और जो आउटपुट होगा वो बड़ा वाला जो हमारा 6.5 mm जैक होता माइक वाला जो आउटपुट होता वो उस पे चला जाएगा। फिर इसको हम लोग जो हमारा फैंटम पावर का है उसमें हम लोग लगा देंगे, और वहां से जो आउटपुट है वो कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया है, तो मैं आपको एक बार जो साउंड आप सुन रहे हो ये माइक की आप सुन रहे हो, और कैसा इसमें जो जो इफेक्ट है वो आप देख सकते हो। कुछ मैं एक बार सॉन्ग गा के देखता हूँ कि कैसा इस पे आउटपुट आता है। तो कोई भी सॉन्ग हो गया, जैसे मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो ऐसा जो आउटपुट है आप सुन सकते हो कैसा आउटपुट आता है, और अगर आप अच्छे से उसको रिकॉर्ड करोगे और जो नॉइस फिल्टर उसको भी लगा के करोगे और इसको प्रॉपर मिक्सिंग और इक्वलाइजेशन करोगे तो और भी अच्छा जो आउटपुट है वो बन करके आएगा। तो ये तो जस्ट एक रफ वॉइस था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अनबॉक्सिंग है वो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को देख सकते हो और वहां से परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।